नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर मतदान 3 नवंबर को होने जा रहा है। नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। सपा से विनय तिवारी और बीजेपी के अमन गिरी के बीच सीधी टक्कर है। गोला विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। बता दें, मतदान 3 नवंबर को होना है और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। सपा से विनय तिवारी और बीजेपी के अमन गिरी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। सपा से विनय तिवारी और बीजेपी के अमन गिरी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। गोला विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको मैं भी बता दें, लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा सीट पर जो चुनाव प्रचार चल रहा था, जोरों से प्रचार किया था, लेकिन आज शाम को जो 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और 3 तारीख को इस उपचुनाव पर जो है सीट पर मतदान होगा। उसके बाद में 6 तारीख को जो है मतगणना होगी। तो इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियों के प्रत्याशी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और उनके अन्य साथियों के द्वारा जिस तरीके से जो है प्रचार किया गया, चुनाव प्रचार किया गया, वो टीम के लोगों से अपील की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की बात करें, तो पूरी तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे, अन्य भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा जी शामिल थी, अन्य उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल थे। तो इस प्रकार से जो चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बहुत ही जोरों के साथ चला था, लेकिन आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और 3 तारीख को यहां पर मतगणना वोटिंग होनी है। जी धीरज, सपा से विनय तिवारी और बीजेपी के अमन गिरी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है कौन अपना परचम लहरा पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, दोनों जो चुनाव की ये सीट है, इस पर दोनों प्रत्याशियों में बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी चुनाव प्रचार के समय प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब आए थे, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, तो उस समय जो सपा के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख बीना राज थी और उनके पति पंचायत सदस्य थे, तो उन्होंने जो है सपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। जैसे कल की डेट में योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, चुनाव को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी समय जो बसपा के करीब 200 कार्यकर्ता जो है वो कल की डेट में जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो इस तरीके से देखा गया तो जो है एक सपा को इस चुनाव के दौरान झटका भी लग चुका है। जी धीरज, गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए 3 नवंबर को मतदान होने जा रहा है और नतीजे 6 नवंबर को आएंगे, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं?
जी बिल्कुल, तैयारियों की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पोलिंग बूथ है, जो सेंटर है, उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा चुकी है। जिलाधिकारी के द्वारा, अन्य जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगाई उनके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हर बूथ का बारीकी से निरीक्षण किया गया है, और जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको बराबर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कहीं न कहीं से जिला प्रशासन की जिस तरीके से तैयारी की गई है, तो बिल्कुल पूरी चाक चौबंद तैयारी की गई, कहीं न कहीं छोटी सी भी चूक न होने पाए। धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। सीधा आपको ग्रेटर नोएडा ले चलते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। इस वाटर वीक के दौरान जल से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिनमें न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा दो या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग काफी आवश्यक है। एक खुशी की बात है कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इसराइल और यूरोपियन यूनियन इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे आशा है कि इस मंच पर विचारों और टेक्नोलॉजीज के आदान प्रदान से भी सभी को लाभ मिलेगा। देवियों और सज्जनों, आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय इस कार्य को लेकर संकल्पबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3,23,00,000 ग्रामीण घर में जल नल से जल की आपूर्ति होती थी, वही आप करीब 10,43,00,000 घर में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। इस मिशन से गांव के लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है, जिसके जल जनित बीमारियों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। नल से घर घर जल की आपूर्ति ने पानी की बर्बादी को तो रोका ही है, साथ ही उसके दूषित होने की संभावना को भी कम किया है। इस मिशन से हमारी बहनों बेटियों को पानी के लिए समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी पड़ रही है। महिलाएं, आप इस ऊर्जा और समय को अन्य रचनात्मक कार्यों में लगा पा रहे हैं। पानी हमारे किसानों और कृषि के लिए भी एक प्रमुख संसाधन है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में जल संसाधन का करीब 80% कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। अतः सिंचाई में जल का समुचित उपयोग और प्रबंधन जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस क्षेत्र में एक बड़ी पहल है।
देश में सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रव्यापी योजना लागू की जा रही है। जल संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप ये योजना पाड्रॉप मोर क्रॉप सुनिश्चित करने के लिए सटीक सिंचाई और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को अपनाने को भी परिकल्पना करती है। सरकार ने जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण, बोरवेल का रीयूज और रीचार्ज, वाटर सेट विकास और गोहन वनरोपण द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, आगामी दशकों में भारत की शहरी आबादी के तेज गति से बढ़ने का अनुमान है। शहरीकरण के फलस्वरूप वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नर सिस्टम की आवश्यकता होगी। इस सिस्टम से जल का समान और सतत वितरण तथा रिसाइकलिंग जैसे कार्य प्रभावी रूप से हो सकेंगे। इन कार्यों को पूरे करने के लिए टेक्नोलॉजी की मुर्मू इंडिया वाटर वीक का उन्होंने उद्घाटन किया। जल संरक्षण का विचार करना जरूरी है, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है। इंडिया वाटर वीक का इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। 15 नवंबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम अपने अपने जिलों के शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। प्रदेश में मदरसों का सर्वे 10 सितंबर से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। 15 नवंबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। डीएम अपने अपने जिलों के शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। प्रदेश में मदरसों का सर्वे 10 सितंबर से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, बता दें करीब 8,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। 15 नवंबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा हुआ है, जिसमें 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। 15 नवंबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भिवांशु से जुड़ेंगे। भिवांशु, उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, 8,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदरसों को बेहतरी को लेकर और साथ ही साथ उन्हें डिजिटल क्रांति से जोड़ने को लेकर जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, साथ ही साथ जो तमाम सब्सिडीज और तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मदरसों को मिलती थी, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। इसको लेकर मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वे करके और ये जानने की कोशिश की गई कि जो आरोप लग रहे थे कि मदरसे महज कागजों में चलते हैं
और कोई जमीन पर ऐसा काम नहीं होता। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पूरे सावधानी के साथ इस पर बड़े ही विनम्रता के साथ हर एक मदरसों का जांच कराया, और जांच अगर बात की जाए तो जांच की रिपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उसके DM अब अल्पसंख्यक विभाग को दे चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर बात करें तो मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त मदरसों की अगर संख्या की बात करें तो 16,513 मदरसे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 7500 यानी कि 7500 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं मिले हैं, जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे। साथ ही साथ ये इस सर्वे पे साफ तौर से जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, साथ ही साथ राज्य मंत्री धर्म अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, चाहे बात की जाए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की तरफ से कहा गया कि ये कोई कोई मदरसों को लेकर छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, बल्कि उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मदरसों की रिपोर्ट अब जो तमाम सर्वे हुए हैं उसको जमा कर दिया गया है, और अगर बात करें तो जल्द ही अब इस पे आगे की कार्रवाई होगी। वहीं आपको बताएं कि जो भी लोग गलत तरीके से मदरसों को संचालित कर रहे थे और गलत तरीके से सरकारी पैसों का बंदोबस्त कर रहे थे, उनके ऊपर हंटर चलते हुए नजर आएगा। वहीं मयूरी आपको बताएं कि प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि मुरादाबाद में लगभग 550 मदरसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रही थी, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं आपको बताएं कि दूसरे नंबर पर 350 मदरसे जो कि बस्ती में संचालित हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो तीसरे पायदान पे राजधानी लखनऊ है, जहां 100 से अधिक गैर कानूनी ढंग से मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं आपको मयूरी बताएं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सियासी घमासान भी तेज होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार इन चीज़ों को कह रहा है कि ये मदरसों को बोझ समझकर सरकार क्यों काम कर रही है। साथ ही आपको बताएं कि इसको लेकर बसपा की सुप्रीमो मायावती की तरफ से कहा गया कि मदरसों को जब हम थे तो 100 से अधिक मदरसों को हम यूपी बोर्ड में के द्वारा संचालित कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मदरसों का सर्वे महज इसलिए कराया जा रहा है कि जो गैर कानूनी तरीके से मदरसे संचालित हो रहे थे और पैसों का बंदोबस्त हो रहा था, उसमें रोकथाम मिल सके और मुस्लिम समाज को बेहतर शिक्षा जो देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। वहीं मयूरी अगर बात की जाए तो अगर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की तरफ से कहा गया कि मदरसों को अगर जाँच होगा तो जो भी मदरसे साफ निकलेंगे यानी कि पाक निकलेंगे तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, और साथ ही उन्हें डिजिटल क्रांति के तहत स्मार्ट क्लास और तमाम जो स्कूलों में फैसिलिटीज मिलती हैं वो मदरसों में मिलते हुए नजर आएगी। वहीं आपको बताएं कि अब मदरसों का सर्वे का रिपोर्ट सब जमा हो चुका है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो भी 7500 मदरसे गैर कानूनी ढंग से संचालित हो गए तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी विवांशु, जैसे अभी आपने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट जमा हो चुकी है, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये पूरे मामले पर कोर्ट और तमाम विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उनके ऊपर है कि वो किस तरह से जुर्माना लगाते हैं, सजा सुनाते हैं या उस मदरसे को सील करते हैं, ये आने वाले समय बताएगा। साथ ही साथ ये न्यायपालिका का विषय है, न्यायपालिका इस पर फैसला सुनाएगा। अभी अगर बात करें आकलन की तो आकलन के तौर पर अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें साफ तौर से जिनके द्वारा जो भी पैसों के बंदोबस्त किए जाएंगे उनसे उनके तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और पैसों का जो उपयोग गलत तरीके से हुआ है उसके बारे में जुर्माना भी लगाया जा सकता है, साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान का ऐलान भी हो सकता है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।